इस वीडियो में हम सभी मॉडल को ध्यान में रखते हुए परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। आपने अभी तक पढ़ा कि परमाणु दो तरह के कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इनकी संरचना बोर के मॉडल द्वारा दी जाती है। बोर के मॉडल के बाद सन 1932 में एक ऐसी खोज हुई जिसने परमाणु में एक और नए तरह के अव परमाणु कण के बारे में बताया। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। 1932 में जी चैडविक ने एक और अव परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई चार्ज नहीं था और एक प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान था। इसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को N के रूप में दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा दिया जाता है। आइए अब एक परमाणु की संरचना को फिर से देख लें। एक परमाणु तीन तरह के अव परमाणु कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित रहती है। तो अब तक हमने देखा कि हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही अलग अलग तरह से पदार्थ बनाती है। मान लीजिए आप एक हाइड्रोजन का परमाणु लेंगे तो उसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसी तरह यदि आप एक ऑक्सीजन का परमाणु ले तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हम किसी पदार्थ में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या भी बोलते हैं, और इसी तरह किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इन संख्याओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए अब हम सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। सर्वप्रथम 1804 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। उसके बाद ई गोल्डस्टीन और जे जे थॉम्सन ने प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद थॉम्सन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक गोले में धंसे हुए होते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की और प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड के बाद नील बोर ने परमाणु का मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। इन कक्षाओं को KLMN का नाम दिया गया। उसके बाद 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर और अनावेशित पाए गए। आशा है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न आपके सामने है और विकल्प भी, तो इसके सही उत्तर सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। समय समाप्त। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है डी। ये दोनों सवाल के लिए भी आपके पास 5 सेकंड का समय है। अब इसका उत्तर अपने दिमाग में सोच कर रखिए। समय समाप्त। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है पहले प्रश्न का सी और दूसरे प्रश्न का बी।
एक और सवाल है आपके सामने। चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डी। हमें आशा है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको पता है कि ये समझने के लिए आपको कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे, और आपके प्रश्न आपके सामने हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पेज 61 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 14, 15 और संकल्प वर्कबुक का एक्सरसाइज का पेज 47 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 अपनी कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद।